हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। जैसा कि हम सबको पता है कि पीकेएल के 10वें सीज़न का ऑक्शन ख़त्म हो चुका है और सभी टीम्स ने अपने अपने प्लेयर्स को खरीद भी लिया है और रिटेन भी कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ गुजरात जायंट्स टीम का स्क्वाड कि उनकी टीम में कौन कौन से रेडर्स, डिफेंडर्स और ऑलराउंडर शामिल होंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम गुजरात जायंट्स के रेडर्स की बात करें तो गुजरात जायंट्स ने मोरे जीबी और जगदीप को ऑक्शन में बाय किया है, यानी कि ऑक्शन में खरीदा है और अपनी टीम में शामिल किया है। इसके साथ साथ ही अगर हम रिटेन्ड रेडर्स की बात करें उनके, तो रिटेन्ड रेडर्स की लिस्ट में है सोनू, प्रतीक दहिया, राकेश और नितिन। इसके बाद अगर हम डिफेंडर्स की बात करें तो ऑक्शन में खरीदे गए डिफेंडर्स में फजल अतराचली, सोमवीर, सौरभ गुलिया, दीपक राजेंद्र सिंह, रवि कुमार और नितेश शामिल हैं। वहीं अगर हम गुजरात जायंट्स के ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑक्शन में उन्होंने रोहित गुलिया, मोहम्मद नबी बख्श, अरकम शेख, बालाजी डी, विकास जगलान, जितेंद्र यादव को खरीदा था और इसके साथ साथ उनका रिटेन्ड ऑलराउंडर रहा है रोहन सिंह। अगर मैं गुजरात जायंट्स की ओवरऑल टीम की बात करूं तो उनके पास पर्स अमाउंट था 5 करोड़, जिसमें कि उन्होंने 4,92,03,000 स्पेंड कर दिए और अभी भी उनके पास जो रिमेनिंग पर्स अमाउंट है वो है 7,67,100। साथ ही साथ उन्होंने 6 रेडर्स को अपनी टीम में शामिल किया, 7 डिफेंडर्स को और साथ ही ऑलराउंडर्स को। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये है कि उन्होंने FBM कार्ड का प्रयोग बहुत कम किया, यानी कि अभी भी उनके पास 2 FBM कार्ड मौजूद हैं जिनका उन्होंने प्रयोग नहीं किया। सो गाइस, PKL 10 के ऑक्शन में गुजरात जायंट्स की टीम से ये सभी प्लेयर्स खेलने वाले हैं और इसमें कहीं बड़े बड़े नाम शामिल हैं जैसे कि फजल अतराचली, मोहम्मद नबी बख्श और भी प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो आपको क्या लगता है कि इस बार गुजरात जायंट्स PKL 10 की ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।